औद्योगिक नगरी पीथमपुर की नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा पिछली पीआईसी बैठक में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की थी, जो अब धरातल पर दिखने भी लगी है। आज नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश पटेल, उपाध्यक्ष पप्पू असोलिया, महिला पार्षद राजकुमारी कुशवाहा द्वारा बगदून तालाब का सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन किया। अध्यक्ष प्रतिनिधि ने बताया कि करीब 1.5 करोड़ की लागत से प्रथम चरण का भूमि पूजन किया गया है, जिसमें पूरे तालाब की बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा। द्वितीय चरण में तालाब के चारों तरफ घाट निर्माण व पाथवे का निर्माण किया जाएगा, जिससे त्योहारों के समय महिलाओं को सुविधा होगी तथा तालाब का पानी प्रदूषण मुक्त भी होगा। वहीं निर्माण करने वाली कंपनी के ठेकेदारों को कहा गया है कि कार्य गुणवत्ता व तय समय पर पूरा करें। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। यहाँ पर हम लोगों ने भी हमारे पार्षद, उपाध्यक्ष, पीआईसी मेंबर्स और हमारे कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष और हम सब लोग जो आए हैं यहाँ भूमि पूजन करने आए हैं। और ये बगदून तालाब जो है, इसकी बाउंड्री वॉल है, इसका रिटर्निंग वाल है और ऐसे यहाँ पर घाट भी बनाई है हम, ताकि हमारे यहाँ भाई बहनें जो पूजा पाठ करने आती है उनको सहूलियत मिले। ये लगभग हमारा 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी चालू होने वाला है, 1.5 करोड़ का इसके बाद में फिर आगे बढ़ाएंगे। आपका नाम बताएं। सुरेश पटेल, पीथमपुर। बगदून तालाब की रिटर्निंग वाल और बाउंड्री वाल के साथ घाट निर्माण का काम शुरू हुआ है। आज का भूमि पूजन इसी संदर्भ में रखा गया था। लगभग 1.5 करोड़ का लागत से काम होने जा रहा है और इससे यहाँ के चारों पांचों वार्ड के सभी लोगों को लाभ मिलेगा, इसका इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। क्या अपने प्रेम पाटीदार, पार्षद वार्ड क्रमांक 4, प्रभारी स्वास्थ्य समिति नगर पालिका परिषद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।